चलिए सबसे पहले ये बताओ, व्हाट इज गॉजेस लॉ इन मैग्नेटिज्म? गॉजेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉजेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है? कौन बताएगा गॉजेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? यस, व्हाट इज गॉजेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इंटेग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था ना, तो यहां पे आएगा इंटेग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज देर इज नो काउंटर पार्ट ऑफ आइसोलेटेड चार्ज इन मैग्नेटिज्म. मिनिमम पॉसिबल कॉन्फिग्रेशन इन मैग्नेटिज्म इज अ बार मैग्नेट और अ मैग्नेटिक डाइपोल. जो आइसोलेटेड पोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता. यू नो अ मैग्नेट ऑलवेज हैज टू टू पोल्स, इक्वल एंड ऑपोजिट पोल्स, अ पेयर ऑफ पोल्स. तो जब हमारे पास गॉजेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, ई डॉट डी एस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वहां पे आइसोलेटेड चार्ज का कोई काउंटर पार्ट नहीं है जो अकेला एग्जिस्ट करे. पोल जो है वो अकेला एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्यू की जगह जीरो आ जाता है. सो दिस इज गॉजेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, इंटेग्रल बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? एक तो यही कि आइसोलेटेड मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट. ठीक है, अकेले जो सिंगल, मोनो मीन सिंगल, सिंगल पोल्स ऑफ मैग्नेट नेवर एग्जिस्ट. लिखो इसकी इंपॉर्टेंस, गॉजेस लॉ इन मैग्नेटिज्म की इंपॉर्टेंस लिख लीजिए. आइसोलेटेड मैग्नेटिक मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट. आइसोलेटेड मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. आइसोलेटेड मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. डू नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, और इसके बाद आपका व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल कैप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. बताओ कितना हो सकता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की टॉर्क कितनी थी? पीई साइन थीटा, याद है ना आपको? तो इन प्लेस ऑफ पीई वी हैव एमबी, एमबी साइन थीटा बन जाएगा. और पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस पीई कॉस थीटा, ये बन जाएगा माइनस एमबी कॉस थीटा. वेयर व्हाट इज एम? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. एम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. उसको कैसे डिफाइन करते हैं? दो फॉर्मूले हैं. एक तो ये आपका डाइपोल है, बार मैग्नेट एक डाइपोल ही है जिसका एक साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है. ठीक है, पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L. ठीक है, ये बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक डाइपोल. ठीक है, स्मॉल m क्या है? पोल स्ट्रेंथ. एंड कैपिटल m इज डाइपोल मोमेंट. सो बिल्कुल वैसे ही इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इनटू डाइपोल लेंथ. जैसे हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी होती थी क्यू इंटू टू एल, यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है एम इंटू टू एल. एम इंटू टू एल. देन डायरेक्शन इसकी क्या होती है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. नोट कर लो, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल. इट्स अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी. जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर थी, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. यूनिट क्या हुआ इसका? फिर अब पोल स्ट्रेंथ का यूनिट तो आपको पता नहीं है, है ना? तो एक और फॉर्मूला नोट करिए, एम इज आई ए. डाइपोल मोमेंट का एक और फॉर्मूला है करंट इंटू एरिया, या एन आई ए भी हम इसको कहते हैं कई बार, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स भी है. मतलब बेसिकली इट इज आई इंटू ए. तो यहां से अब यूनिट निकालिए, करंट का एम्पियर,
एरिया का मीटर स्क्वायर. सो यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट वी गेट फ्रॉम हियर एम्पियर मीटर स्क्वायर. एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है. अब परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज डिनोटेड बाय म्यू. एंड अगेन देर आर थ्री टाइप्स ऑफ परमेबिलिटी कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू दिस रिलेशन. म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, बिल्कुल वैसे ही सेम रिलेशन है. म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, वेयर म्यू नॉट इज ऑन. वो तो चला गया, यहाँ आया ही नहीं. चलिए, सो ये जो तीन तरह की परमेबिलिटीज है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, बिल्कुल वैसे ही रिलेशन है जैसे परमिटिविटीज के बीच में था. अब म्यू नॉट की वैल्यू फिर से आपको लर्न करनी है यहाँ पे, जैसे एप्सिलॉन नॉट की लर्न की थी 8.85 × 10^-12. अब आपने म्यू नॉट की लर्न करनी है, उसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या है इसका. आपका फोर्स था के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर. मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा बिटवीन टू पोल्स, मैग्नेटिक फोर्स वो होगा म्यू नॉट ओवर फोर पाई. यहाँ पे कांस्टेंट लगता है म्यू नॉट ओवर फोर पाई. यहाँ पे था 1/4 πε₀, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इफ वी राइट मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स देन इट विल बी म्यू नॉट ओवर फोर पाई एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर. That would be m1 m2 over r square. तो यहां से जब आप इसका यूनिट निकालते हैं, यूनिट ही निकालना ना, आप कहीं और से भी निकाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल विच फॉर्मूला यू कैन यूज टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ म्यू नॉट, यहां से भी निकल आएगा. देखो m का यूनिट आपको पता लग गया एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर पता लग गया ना यहाँ से, ठीक है. तो वो यहाँ पे पुट करके भी आपका आ जाएगा. अदरवाइज एक फॉर्मूला और है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था के क्यू बाय आर स्क्वायर, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का भी फॉर्मूला होगा म्यू नॉट ओवर फोर पाई एम ओवर आर स्क्वायर, ठीक है. यहां से म्यू नॉट का यूनिट इजीली निकल आएगा इफ यू वांट, यहां से इजीली निकल जाएगा. बी का यूनिट टेस्ला आता है, ठीक है. पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर और मीटर आ जाएगा यहाँ से, एम्पियर मीटर, और ये मीटर स्क्वायर. तो देखो क्या यूनिट आता है यहाँ से. टेस्ला मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर. टेस्ला मीटर पर एम्पियर, क्या इसका स्मॉल एम का यूनिट यहां से निकालो. डाइपोल मोमेंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर ओवर मीटर. तो पोल स्ट्रेंथ का यूनिट है एम्पियर मीटर, उसका यूनिट यहां पुट किया, आपका म्यू नॉट का यूनिट आ गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है. तो अब इसकी वैल्यू लर्न कर लो, म्यू नॉट की वैल्यू विद यूनिट 4π × 10^-7 है टेस्ला मीटर पर एम्पियर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट 4π × 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर. एक बार ही फिक्स कर लो अपने माइंड में म्यू नॉट यूनिट कैसे निकाल ले हमने. म्यू नॉट की वैल्यू लर्न हो जाएगी. अब हमारे पास आता है म्यू नॉट ओवर 4π का फैक्टर, तो फिर इसका मतलब उसकी वैल्यू है सिर्फ 10^-7. 4π कैंसल आउट हो जाए, तो आप जब इसको पुट करोगे तो अकेला 10^-7 आ जाएगा. सिर्फ प्रॉब्लम राइट. आफ्टर दैट बायट सेवेट लॉ. चलो बताओ, उस दिन हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था ट्यूसडे को, बायट इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी. बायट, ये वाला बायट किसका यूनिट है? बायट
Byte is the unit of which physical quantity? Byte is the unit of which physical quantity? तो ये है करंट का सीजीएस यूनिट है, नोट कर लो. करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर ना, उसका सीजीएस यूनिट होता है बाइट. वैसे अदरवाइज सिलेबस में तो नहीं है पर सैंपल पेपर में दिया हुआ है तो नोट कर ही लो. ठीक है, बाइट से मेरे को याद आया, बाइट सेवट लो. अब इसकी तीन एप्लीकेशन की थी हमने. पहले बाइट सेवट फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड डीबी is mu naught over 4 pi idl sin theta over r square. Yaad hai Byatt Savart formula? It gives us magnetic field due to a current element. idl is the current element. So, uska magnetic field deta hai. Right? Ab iski teen applications ki thi humne. First tha to find magnetic field at the center of circular coil carrying current. Circular coil carrying current ko current loop bhi bol dete hain. Circular coil carrying current ko current loop bhi keh dete hain hum. To ye tha. Iske center pe nikalna hai. It is carrying current. R is the radius. Yaad hai kya formula tha? Ye to 10th se karte aa rahe ho. Mu naught I over 2r, that is mu naught I over 2r. ठीक है, और इसका फील्ड पैटर्न कैसे बनाते हैं? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल यूज करके. ऐसे बनाते हैं, याद है ना आपको, टेंथ में भी बनाया था ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न. सेकंड था मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट. उसकी एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, ये वाला. तो ये जो पॉइंट था ऑन इट्स एक्सिस, यहां पे हमने निकालना था मैग्नेटिक फील्ड, इफ यू रिमेंबर. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता था? म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. ये इसका फॉर्मूला था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बाइट सेवर्ट लॉ. जब सब्जेक्टिव पेपर होता था तो मोस्टली हर बार बोर्ड में ये डेरिवेशन आती थी. Mu naught over 4 pi 2 pi I a square over x square plus a square raised to power 3/2. मतलब basically ये r cube है. R cube है, r is equal to under root x square plus a square. वो use करके ये आ जाता है. और I a square क्या है? Pi a square क्या है? Area of this loop. तो I into a क्या होता है? Magnetic dipole moment. तो वही बन जाता है 2m over r cube. मतलब देखा जाए तो वही फॉर्मूला बन जाता है इसका. पाई ए स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ द लूप. ये आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 आई ए और आई इंटू ए इज डाइपोल मूमेंट एम. आई ओवर ए इज डाइपोल मूमेंट. तो बेसिकली यही वाली चीज है जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा है, बट दैट इज द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन. ये उनको ही पता है क्लास में. ओके फाइन गौरव.
थर्ड एप्लीकेशन भी मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट. थर्ड एप्लीकेशन किसको आता है फॉर्मूला? ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट. ठीक है, ये सिचुएशन भी करंट इज फ्लोइंग और पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना. तो ये एल था, ये आर था, ये फाई था, ये थीटा था, ये फाई था, हाँ, और ये ए. तो हमारा अगर डिस्टेंस ए है तो इसका बेसिक फॉर्मूला आ रहा था म्यू नॉट आई ओवर फोर पाई ए साइन फाइ वन प्लस साइन फाइ टू. कुछ न्यूमेरिकल तो इससे निकलेंगे, मतलब मेन फॉर्मूला यही आता है. ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट साइन फाइ वन फाइ टू. फाइ वन फाइ टू आर द एंगल्स दैट आर मेड बाय पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विद एंड्स ऑफ द वायर. ठीक है, और इसका जो स्पेशल केस था, इफ द वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इफ द वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज ऑपोजिट टू दैट एट द लाइज इन फ्रंट ऑफ मिड पॉइंट, उसके सेंटर के सामने लाई कर रहा है, तो फिर हमारा फॉर्मूला आ जाता है जो आप टेंथ में करते हो, सिंपल फॉर्मूला म्यू नॉट आई ओवर टू पाई आर या टू पाई ए. देखो सर्कुलर लूप के सेंटर में म्यू नॉट आई ओवर टू आर है, स्ट्रेट वायर का म्यू नॉट आई ओवर टू पाई आर है, तो ज्यादातर हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए कि पाई इसे फर्दर ये और डिवाइड हो रहा है. इसका मतलब सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा था, स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कंपेरेटिवली कम. फाइन, तो ये तीन एप्लीकेशन थी बायट सेबर्ट लॉ की. देन वी कम टू एम्पियर सर्किटल लॉ. किसी को याद है इसका फॉर्मूला या स्टेटमेंट? एम्पियर सर्किटल लॉ कौन बताएगा? और स्ट्रेट वायर का फील्ड कौन सा रूल बताता है हमें? ये कौन सा रूल है? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. चलिए नेक्स्ट आते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ. इंटेग्रल वी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड. तो ये याद रखना है कि गॉसेस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म में बी डॉट डी एस था. ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ में बी डॉट डी एल है. बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई. वो था सरफेस इंटेग्रल, सरफेस एरिया. ये लाइन इंटेग्रल, दिस इज लाइन इंटेग्रल. अब इसको यूज करके हमने दो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटीज निकाली थी, सोलिनॉइड और टोरॉइड. तो सोलिनॉइड का देखिए पहले. To find magnetic field due to solenoid at the center. Solenoid carrying current at the center. क्या फॉर्मूला है? टेंथ में भी करते रहे हो. म्यू नॉट एन आई, बट रिमेंबर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड. ये याद रखना है कि एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड. Number of turns per unit length of the solenoid. So mu not n i tha center pe. Near ends kitna ho jata hai? Half. Near ends it is mu not n i divided by 2. Ends ke paas half hota hai aur center pe hota hai mu not n i. सेकेंड था टोरॉइड.
कौन बताएगा टोरॉइड क्या होता है? व्हाट इज अ टोरॉइड? हाँ, सर्कुलर सोलिनॉइड. सर्कुलर सोलिनॉइड इज कॉल्ड अ टोरॉइड. तो इसके तीन एरियाज हैं जिनमें मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. इनसाइड द एम्प्टी कोर जीरो, आउटसाइड इन द एम्प्टी स्पेस भी जीरो है. इनसाइड हमारा कुछ फील्ड आएगा जो हमने निकालना है. बी एंड डीएल आर इन द सेम डायरेक्शन, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो जाता है हमारा. ठीक है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वही आएगा म्यू नॉट एन आई, बट एन इज हियर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कमफ्रेंस, क्योंकि लेंथ ऑफ सर्कल इज 8 सर्कमफ्रेंस. तो यहाँ पे वही बेसिकली वही है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बट लेंथ है कितनी, दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस. और कई बार क्या दिया होता है आपको, टोरॉइड का आउटर और इनर रेडियस दिया होगा, तो आपने उनका एवरेज ले लेना है, वो आर होगा. आपको आउटर और इनर रेडियस दिया होगा टोरॉइड का आर वन आर, उनका एवरेज निकाल के फिर आप ये 2πr निकाल के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाल के ये निकाल लो. तो इसके न्यूमेरिकल्स में इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीड करते. ठीक है, अच्छा आप आते हैं इसका नेक्स्ट, वेलोसिटी सिलेक्टर अरेंजमेंट एंड क्रॉस्ड फील्ड्स. वो क्या होते हैं, क्या होता है वेलोसिटी सिलेक्टर अरेंजमेंट? वेलोसिटी सिलेक्टर अरेंजमेंट, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, when a charged particle moves through a region of electric field, what is the shape of path followed by? जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में से जाता है, सपोज दो प्लेट्स यहाँ पे हमने रखी हुई है इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज, और हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ से, ठीक है, किस प्लेट की तरफ जाएगा ये? पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, इट विल फॉलो कर्व्ड पाथ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ, मैग्नेटिक फील्ड में कैसा पाथ फॉलो करता है डिपेंड्स अपॉन द एंगल. अगर तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, नो चेंज इन द पाथ, नो फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड. एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, तो नो फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय इट बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स है. अगर ये मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पे जा रहा हो, तब इसका पाथ फोर्स मैक्सिमम लगेगा, और पाथ कैसा होगा, व्हाट विल बी द शेप ऑफ पाथ इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स एट 90 डिग्री टू मैग्नेटिक फील्ड? क्या सर्कल, इट विल बी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ. नोट कर लो ये, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पे जा रहा है, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और ये सर्कल में जा रहा हो. अगर चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हेलिक्स में जाएगा, इट्स पाथ विल बी हेलिकल, इट्स पाथ विल बी हेलिकल. देन व्हाट आई मीन, इट्स पाथ विल बी हेलिकल देन, इज दैट क्लियर? चलिए आते हैं वापस वेलोसिटी सिलेक्टर अरेंजमेंट. वेलोसिटी सिलेक्टर अरेंजमेंट में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस्ड होते हैं. क्रॉस्ड मतलब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, जब चार्ज उस रीजन में से जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स. डायरेक्शन ऑलरेडी ऑपोजिट होती है तो वो कैंसल आउट हो जाए, ठीक है. तो क्रॉस फील्ड्स वो है जिसमें चार्ज पार्टिकल मूव भी करे और उसकी मोशन पे कोई इफेक्ट ना हो. ये देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई, मैग्नेटिक फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी,
gets cancelled and ये है उसकी velocity. This is called velocity selector arrangement, जिसमें दोनों फील्ड प्रेजेंट होते हुए भी ऐसे लगता है कि कोई फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है, बिकॉज देर इज नो चेंज इन पाथ ऑफ द पार्टिकल इफ इट गोज विद दिस वेलोसिटी. दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर अरेंजमेंट एंड द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दिस अरेंजमेंट आर कॉल्ड क्रॉस्ड फील्ड्स. इनको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस्ड फील्ड्स. मतलब इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट. इफ अ चार्ज पार्टिकल passes through a region where both electric and magnetic fields, E and B लिख सकते हो, where both electric and magnetic fields are present and it goes undeflected. It goes undeflected. The arrangement is called velocity selector arrangement. Or note कर लो velocity कितनी होनी चाहिए. The arrangement is called velocity selector arrangement. And कितनी velocity से उसका जाना चाहिए, E by B. And fields in such an arrangement are called crossed fields. इस अरेंजमेंट में जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनको हम बोलते हैं क्रॉस्ड फील्ड्स. अब हमारा एमसीजी रह गया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ठीक है, एमसीजी मीन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड एटम एज अ डाइपोल. ठीक है, एटम एज अ डाइपोल.